यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So happy Janmashtami to everyone. So सुबह का आरती हो गया है और मैंने भोग में लगाया है उनको 5 तरह का ड्राई फ्रूट्स। So मेरे पास ना बड़े वाले लड्डू गोपाल नहीं है, बट मेरे पास कान्हा जी का बाल रूप का मूर्ति है, दो मूर्ति है एंड एक छोटा सा लड्डू गोपाल भी है। तो मैं हर साल उन्हीं का पूजा करती हूँ। कुछ तो हमारे कान्हा जी को ना माखन बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैं माखन खुद से बना रही हूँ उनको रात में भोग लगाने के लिए, क्योंकि उनका जो प्रिय खाना है ना वो है माखन। उनको माखन बहुत पसंद है, तो मैं वही माखन बना रही हूँ रात के भोग के लिए। शाम में मैं लग गई थी उनकी सजावट में, फिर उनकी पूजा करूंगी, उनको पहले स्नान करवाऊंगी एंड देन पूजा करूंगी, वो भी मैं शेयर कर दूंगी आपको। बट उससे पहले मैंने दोपहर में ही उनको भोग लगा दिया था एंड भोग में मैंने क्या लगाया है मैं वो आपको दिखा दूंगी। आप लोग जन्माष्टमी कैसे मनाए हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बैलून तो हो गया है मेरा और शाम का भोग के लिए प्रसाद बनाना है, तो प्रसाद में फल चढ़ाऊंगी, तो वो प्रसाद के लिए फल काटना है अभी। और दोपहर में मैंने भोग लगाया था मिठाई का, तो रसमलाई, रसगुल्ला और लड्डू का। और अगर आप लोगों ने कान्हा जी का मुकुट देखा है तो उनके ना मुकुट के लेफ्ट तरफ में मोर का पंख है, तो मेरा ऐसा था कि मैं लेफ्ट तरफ ही उनका मोर का पंख रखूं, तो मैंने उसी तरह से सजा दिया है। एंड ये कुछ पुराने मोर के पंख है, हर जन्माष्टमी में अलग अलग मोर के पंख आते हैं तो आया था। और ये है कुछ वस्त्र, मतलब जो उनको स्नान करवाएंगे हम लोग, उसके बाद जो माला होता है, कपड़ा होता है, मुकुट होता है, वो सब है। और मैं कान्हा जी को हर राखी में सबसे पहले उन्हीं को मैं राखी बांधती हूँ, तो वस्त्र पहनाने के बाद वो भी डाल दूंगी मैं। तो ये ना बांसुरी भी मम्मी खरीद के लेके आई थी, तो मैंने बड़ा वाला बांसुरी मम्मी लेके आ गई है, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब है उनको स्नान करवाने के लिए। तो ये देखिए, ये है मेरा पूजा का प्लेट जिसमें गणपति बप्पा बने हुए हैं एंड इसको कुछ गेंदे के फूल से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, लाइक जो कॉम्बिनेशन है ना प्लेट का एंड जो फूल का है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड एक ना ट्रेडिशनल टाइप लगता है। तो स्नान के लिए यहाँ पे पानी ली हूँ, प्लेन वाटर ली हूँ और एक लोटा में दूध ली हूँ, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दी हूँ, घी डाल दे रही हूँ एंड अब देखिए मठ डाल दे रही हूँ। इन सबको मिला के हम लोग स्नान करवाएंगे। इसमें ना दही भी डाला जाता है, बट इसमें मैं दही नहीं डाल रही हूँ, बस इन्हीं सब चीज़ों से मैं अपने दोनों कान्हा जी को और लड्डू गोपाल को मैं स्नान करवाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे पानी से स्नान करवाऊंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे दूध से स्नान करवाऊंगा। Thank you.
तो हमारे लड्डू गोपाल और दोनों कान्हा जी ने स्नान कर लिया है और अब बारी है इनको अच्छी तरह से साफ कर लेने का, पोछ लेने का और उसके बाद उनको वस्त्र पहनाने का। तो दोनों कान्हा जी को हम लोगों ने स्नान करवा दिया है और वस्त्र पहना दिया है और अभी होगा शाम का आरती और शाम का प्रसाद। आरती हो गया है और प्रसाद भी चढ़ा दिया है गाइस। और हम लोग में ना एक मेन प्रसाद होता है जिसको मतलब धनिया का एक प्रसाद होता है, उसमें ड्राई फ्रूट्स सब डाल के, तो वो हम लोग में ना मेन प्रसाद चढ़ता है। तो उस चीज़ का भी मैंने भोग लगा दिया है एंड जो बैलून्स फुलाए थे ना उसको साइड साइड में लगा दिया है। ज़्यादा डेकोरेशन इसलिए नहीं की हूँ बिकॉज मैं जो पूजा रूम है ना उसमें डेकोरेशन करने के मतलब वो है ही नहीं, तो उसमें अच्छे से डेकोरेशन ही नहीं हो पाएगा। पूजा करने के बाद हम लोग गए थे मंदिर देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट डेकोरेशन हो रहा था मंदिर में, बट जैसा जन्माष्टमी में माहौल रहता है वो माहौल ही नहीं था, एकदम सब शांत था। और फिर घर आने के बाद रात के भोग के लिए यहाँ पे साबूदाना का खीर बनाने लग गई थी क्योंकि हमारे जो कान्हा जी हैं ना उनको दूध का जो खाना होता है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे खीर बना रहे हैं साबूदाना का। और बहुत से लोग ना पूरी पुआ का भी प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वो हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं ना जब उनका जन्म हो जाता है 12 बजे रात में भगवान का, तो हम लोग वही प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो पूरी और वो सब हम लोग खाएंगे, तो मतलब अगर हम लोग भोग लगाते हैं तो हम लोग वही खाएंगे, तो एक तरह का वो अन्न हो गया। तो यहाँ पे जो मक्खन बना रहे थे हम लोग वो मक्खन लगा रही हूँ भगवान को एंड साबूदाना का खीर चढ़ा रही हूँ, भोग लगा रही हूँ भगवान को। तो आइए देख लेते हैं कि मैंने पूरे दिन में अपने कान्हा जी को क्या भोग लगाया है। तो ये देखिए, ये जो है ना धनिया का, ये हम लोग का मेन प्रसाद है। इसके बाद है यहाँ पे नारियल का जो पानी है वो है, फिर यहाँ पे मैंने साबूदाना का भोग लगाया है, मिठाई है रसमलाई लड्डू एंड रसगुल्ला का, फिर फल है, माखन है, ड्राई फ्रूट्स है एंड पानी है नारियल, इन सब चीज़ों से भोग लगाई हुई हूँ कान्हा जी को। रात का 12 बज गया है और अब हम लोग के जो भगवान है, हम लोग के लड्डू गोपाल का जन्म हो गया है और इसमें हम लोग ना झूला झूलाते हैं उनको, उनको स्वागत करते हैं। और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी जन्माष्टमी। अब हम लोग आरती कर लेंगे एंड भगवान को भजन कीर्तन बहुत कुछ होता है वो सब कर देंगे। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।